अब देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी इस वक्त हम मना रहे हैं देश का अमृत महोत्सव यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिलकर पचहत्तर वर्ष पूरे हो गए हैं उसी के साथ दलित पैंथर की एक बड़ी मोमेंट जो मुंबई से शुरू हुई थी और पूरे महाराष्ट्र भारत ने पूरे दुनिया में जिसने अपना नाम किया उसको भी पचास साल पूरे हो गए हैं हमारे साथ भारत के निर्माता आधुनिक भारत की निर्माता संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुत्र राजरत्न अम्बेडकर जी है सर आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सबसे पहले बधाई की अभी अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा पूर्ण किया और वहाँ इस अम्बेडकराइट मोमेंट को और ये बुद्धिस्ट मोमेंट क्योंकि पूरे यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में अमरीका में एक बौद्ध धर्म की एक बड़ी वेव चल रही है लोग चर्चों को कन्वर्ट करके बौद्ध विहार बना रहे हैं ऐसे में इस तरह का दौरा आपका आपको बहुत बधाई पचास साल पैंथर के हो रहे उसके लिए भी बधाई और ए, ये अमृत महोत्सव सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि हम लोग अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं लेकिन क्या हमारी देशभक्ति इतनी छोटी है कि केवल और केवल एक तिरंगा घर के ऊपर हमने लगा दिया और हम देशभक्त हो गए फिर जिन्होंने आहुतियाँ दी इस देश के लिए चाहे वो महात्मा फुले हो शाहूजी महाराज हो पेरियार हो डॉक्टर अंबेडकर हो क्या इनकी देशभक्ति कोई मायने नहीं रखती जी सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम बुद्धाय और आपके सवाल को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा आपके साथ साथ देश भर के लोगों को करेक्ट करना चाहूँगा इस देश के नेशनल फ्लैग को तिरंगा हम लोग नहीं कहते तिरंगा इसका ऑफिशियल टाइटल नहीं है ऑफिशियल टर्म नहीं है तिरंगा नाम का कोई झंडा इस देश में नहीं है इस देश के ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रध्वज कहते हैं क्योंकि हम लोग तिरंगा 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 करते जाते हैं उसमें अगर आप देखें तो ब्लू में उसमें अशोक चक्र है तो फिर वो भी एक चौथा रंग हो जाता है तो ये राष्ट्रीय ध्वज है पूरा का पूरा राष्ट्रीय ध्वज और आज जब हम देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं मुझे कभी कभी हंसी आती है कि ऐसे लोग देश के राष्ट्रीय ध्वज को लगाने की अपील कर रहे हैं जो लोग कभी भी इस राष्ट्रीय ध्वज के समर्थन में नहीं थे आज भी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया जाता वो लोग राष्ट्रीय ध्वज को कभी नहीं अपनाते और वो लोग उनकी ऑफिशियल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ये लोगों को कह रही कि हर घर तिरंगा ये इस तरह से कैंपेन चला रहा है लोगों को बता रहा है कि सबके मोबाइल के डी पीज आप तिरंगा में रखो ये खुद इन्होंने कभी मुझे नहीं लगता कि देश के राष्ट्रीय ध्वज को कभी इन्होंने हाथ में फहराया होगा आज़ादी के समय में तो ऐसे लोग हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं जो इस देश को पूरी तरह से कैपिटलिस्ट लोगों को बेच रहे हैं ऐसे लोग हमको देशभक्ति सिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें हंसी आती कि इनसे अब हमको देशभक्ति सीखनी पड़ रही है जिन लोगों ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया था माफी मांग ली थी कि हम माफी मांग रहे हैं ऐसे लोगों को अब वीर और ऐसे लोग अब हमें देशभक्ति सिखाएंगे इस देश के लोगों को सिखाएंगे इस देश का मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो बुद्धिस्ट हो शेड्यूल कास्ट हो हर हर व्यक्ति ने इस देश के भूमि पुत्र ने इस देश के लिए आहूति दिया है इन लोगों ने एक एक नाखून तक नहीं काटा कटवाया होगा इस देश के आज़ादी के लिए ऐसे लोग अब हमें आज़ादी का पाठ पढ़ा रहे हैं एक बात सामने आई है कि जैसे हमने देखा कि एक राष्ट्र चिन्ह है जिसे हम सिंह मुद्रा कहते हैं और सम्राट अशोक ने उस सिंह मुद्रा की सारनाथ में स्थापना की और धम्म को चारों दिशाओं में दसों दिशाओं में प्रवर्तित करने का वो सिंबल है इस सिंबल को बहुत हिंसक बनाने की कोशिश आ, विस्टा प्रोजेक्ट में की गई ये जानबूझ के हुआ हुआ या फिर प्रतीकात्मक तौर पर इस देश को और मलिन करने की प्रक्रिया चल रही है नहीं इसके पीछे उनका एक मैसेज है देखिए अनुपम खेर जो आरएसएस का एक बहुत बड़ा कट्टर समर्थक है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थक है उसने अपने ट्वीट में कहा कि ये नए भारत का शेर है और ये शेर है तो दात तो दिखाएगा ही और वक्त वक्त आने पर वो काटेगा भी जब आप सम्राट अशोक के चिन्ह को देखते हो तो वो एक गर्व का प्रतीक दिखता है शौर्य का प्रतीक लगता है लेकिन ये जो नया आ, इन लोगों ने नेशनल एम्बलेम में छेड़खानी की इसके शेर को जब आप देखोगे तो आपको वो आपके ऊपर ही गुर्रा रहा रहा है ऐसा प्रतीत होता है दांत निकाले हुए है उसने और जो हॉर्स नीचे जो है घोड़ा है उसकी उसकी जो दुम आप देखोगे उसको कुत्ते की दुम जैसे आ, बता दिया है तो इन्होंने बहुत बड़ी छेड़खानी नेशनल एम्बलम में की मैंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो लॉयर्स हैं उनसे बात की क्या हम इस इनके ऊपर केस कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने नेशनल ऑनर का आ, इन लोगों ने उल्लंघन किया है क्यों नेशनल ऑनर है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है नेशनल एम्बलम है नेशनल फ्लैग है इसका कोई भी इसमें अगर कोई छेड़खानी करता है तो ये एक्ट बना हुआ है तो क्या इस एक्ट के तहत हम इनके ऊपर केस कर सकते हैं तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल्स जितने हैं उन्होंने ये काम हाथ में लिया हुआ है और अब मुझे खबर भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा का पूरा नेशनल दुरुस्त करने का ऑर्डर भी गवर्नमेंट को दिया है ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात नरेंद्र मोदी के लिए है देश के प्रधानमंत्री के लिए है कि उन्होंने बनाया हुआ एक मॉन्यूमेंट चेंज करने को सुप्रीम कोर्ट कह रही है और वो भी नेशनल एम्बलेम जैसे तो ये क्योंकि देखिए भले ही राज्यसभा हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो या सुप्रीम कोर्ट भी हो भले आप लोग उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कुर्सी पर मोहन भागवत को क्यों नहीं बिठा देते हो लेकिन देश आपको बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से ही चलाना पड़ेगा ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कितने भी ताकत में क्यों ना आ जाओ देश आपको कानून से ही चलाना पड़ेगा का संविधान से ही चलाना पड़ेगा इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं एक काउंटर संविधान काउंटर आर्टिकल्स तैयार कर रहे हैं अब नेशनल ऑनर का ये जो एक्ट बना हुआ है इस एक्ट को भी मुझे लगता है आगे चलकर ये लोग इसमें अमेंडमेंट करेंगे बदलेंगे ताकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन फ्लैग को नेशनल फ्लैग को नेशनल एम्बलेम्स को चेंज कर सके बीजेपी का आप जिक्र कर रहे हैं उनका एक ऑर्गेनाइजर है उनका एक मैगजीन है उसमें हमेशा दलितों के खिलाफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ आ... शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ बातें लिखा करते हैं उनका एक एजेंडा उनके खिलाफ़ बनते हैं लेकिन 2014 से हम देख रहे हैं कि उन्होंने कलाम जैसे अल्पसंख्यक आदमी को राष्ट्रपति बनाया उसके बाद कोविद जैसे दलित को राष्ट्रपति बनाया और अब ट्राइबल्स द्रौपदी मुर्मू को क्या चेहरा क्या है आर बीजेपी का एक तरफ दिखाना कि हम इनका समर्थन करते हैं फिर बाकी उनके विरोध में काम करना असली चेहरा क्या है आर का देखिए आर का ही नहीं ये पूरी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी जो है ब्राह्मणी व्यवस्था ये जिस महापुरुष को खत्म नहीं कर सकते वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती उसको अपना लेती है जैसे ये बुद्ध के विचार को कभी इस देश से मिटा नहीं सकेंगे इसलिए इन्होंने क्या किया पहले तो बुद्धिज्म के खिलाफ बुद्ध के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र किए आप बुद्धा जम्मा पढ़ लो कितने षड्यंत्र खुद बुद्ध के साथ हुए हैं और फिर जब ये बुद्ध के विचारों को बुद्ध को इस देश से मिटा नहीं सकते तब ये बुद्ध को अपना लेते हैं और फिर क्या बना लेते हैं बुद्ध को विष्णु का अवतार बना लेते हैं यानी विष्णु का अवतार बनाकर वो बुद्ध तो पाश्च्य जन्य जैसी मैगजीन बाबा साहब को एक्सेप्ट करने लगती है और वो ये बताती है कि बाबा साहब कैसे प्रो आर एस एस है समय में हिंदुस्तान टाइम्स द हिंदू में फ्रंट पेज पे आ, किसी आरएसएस के जोशी या कुलकर्णी ने एक लेख लिखा और उसने यह बताया कि सीए और एनआरसी ये तो बाबा साहब की देन है बाबा साहब के विचार है जिस जिन विचारों को मोदी ने पूरा किया है तो इस तरह से वो लोग जिस महापुरुष को खत्म नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी तरह से वो आज इन लोगों के साथ कर रहे हैं जैसे रामानंद कोविंद जी को जो एक शेड्यूल कास्ट और वो भी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको राष्ट्रपति बनाते हैं लेकिन उन्हीं के दौरान संविधान जलाया जाता है उन्हीं के दौरान एस सी एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव होते हैं उन्हीं के कार्यकाल के दौरान आ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल हटाया जाता है तो देखिए किस तरह से ये लोग शेड्यूल कास्ट को ख़त्म करने के लिए शेड्यूल कास्ट के ही आदमी के द्वारा वो सारा काम किया जाता है और अब शेड्यूल कास्ट को ख़त्म कर दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सबसे ज़्यादा आज हमारी प्रगति जो हुई है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की वजह से हुई हमारे लोगों को वहां पर नौकरियां मिली हमने एक जनरेशन में ही इतना बड़ा बदलाव कर दिया कि जो व्यक्ति एक चपरासी हुआ करता था आज वो क्लास वन ऑफिसर बना ये केवल रिजर्वेशन पॉलिसी से इस पूरे रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म हमारे ही व्यक्ति के प्रेसिडेंशियल कार्यकाल में हुआ पूरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेची गई और नेक्स्ट अब जो खतरा इनको देख रहा है वो है शेड्यूल ट्राइब्स का और ये शुरू हो चुका है शुरू हो चुका है शेड्यूल ट्राइब्स के लिस्ट को डाइल्यूट करने का काम जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है कश्मीर के लोगों ने मुझे वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए हैं उन्होंने मुझे सारी न्यूज भेजी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिस्ट में ये लोग नॉन शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को वहां पर भरने की कोशिश शुरू है यानी एस का रिजर्वेशन अब एक नॉन एस के आदमी को दिया जाएगा

हिंदुत्व की राह कितनी सुकर कर रहे हैं हम मोमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं नहीं दो क्वेश्चन है आपके पहला क्वेश्चन तो सिर्फ देश ही नहीं बाबा साहब ने यह भी कहा था कि इफ हिंदूज माइग्रेट टू एनी पार्ट ऑफ द दे वर्ल्ड देन हिंदुइज्म कास्टिज्म बी द वर्ल्ड प्रॉब्लम अब यही सुंदर पिछई के दौरान देख लो वो गूगल जैसी एक इंटरनेशनल संस्था को जब वो एक ब्राह्मण वहां पर लीड करता है तो कास्टिज्म को वो वहां पर फैला रहा है अब कास्टिज्म अमेरिका की भी प्रॉब्लम है कास्टिज्म यूके यूनाइटेड किंगडम लंडन की प्रॉब्लम बन चुकी है ऐसे जहां जहां पर यह ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग जाएंगे पूरे तब वर्ल्ड को ये तबाह करेंगे सिर्फ इंडिया को नहीं इंडिया को तो ये कब का तबाह कर चुके हैं अब ये वर्ल्ड को तबाह कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कि मूवमेंट आगे क्यों नहीं बढ़ रही है आज हम लोग जो मूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं संविधान किसी एक जाति या एक विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं है ये इस देश के लोगों का एक और बहुत लोगों ने ये समझ लिया है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ एडवोकेट्स के लिए होता है ये सिर्फ कोर्टों में होता है ये नहीं इस देश का संविधान हर एक घर में होना चाहिए हर एक व्यक्ति को मेरे उस संविधान में मेरे क्या आ, राइट्स हैं वो उस व्यक्ति को पता होने चाहिए बाबा साहब ने जब ये संविधान प्रेजेंट किया 25 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बा, बाबा साहब ने ये पेश किया लेकिन एक दिन पहले बाबा साहब ने स्पीच किया है बाबा साहब ने कहा कि सिर्फ संविधान देना इतना ही काफी नहीं होगा इस संविधान के प्रति लोगों में हमको जागरूकता निर्माण करनी होगी बाबा साहब ने हर एक व्यक्ति को संविधान समझाने की भूमिका ये इस देश के सरकारों के ऊपर छोड़ी है लेकिन आज हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजस्थान में इस संविधान के खिलाफ रैली निकालते हैं संविधान के खिलाफ बाबा साहब ने कहा कि संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण करो आज हमारे लोगों को संविधान के बारे में पता नहीं है और इसलिए जो बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को भाषण किया है संविधान सभा में आखिरी भाषण उस भाषण के ऊपर अब काम करने की जरूरत है और उसके ऊपर अभी मेरी पंजाब की पंजाब का दौरा हुआ काफ़ी आई ऑफिसर्स आई ऑफिसर्स इवन शहीद भगत सिंह जी के नेफ्यू के साथ हमारी मीटिंग हुई और यही हमने उसमें डिज़ाइन किया है कि जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी उसी तरह से इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम इस देश में पूरे दे, स्टेट्स में संविधान यात्रा कश्मीर से शुरू करेंगे कन्याकुमारी तक लेके जाएंगे तीन महीने हो छः महीने हो जितने भी आ, काल पूरे देश में ये संविधान रथ संविधान यात्रा निकलेगी और सभी स्टेट के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करेगी जो काम बाबा साहब ने नाइनटीन में बताया था वो काम अब हमें करना पड़ेगा पूरे विश्व में बुद्ध धर्म की वेव है इवन भारत में भी बौद्ध धर्म चाहे आप उत्तर प्रदेश जाए असम जाए उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ धम्म में लोग आना चाहते हैं बट हमें वो बड़ा भाई समझते हैं महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट को क्या हम अपने बड़े भाई की भूमिका सही मायने में निभा रहे हैं और आपका ऑस्ट्रेलिया दौरा कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया दौरा मेरा बहुत ही अच्छा रहा बहुत बहुत फ्रूटफुल रहा वहाँ पर आ, कई सारे नेशंस के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि ये जो प्रोग्राम है पार्लियामेंट में हो रहा था तो कई सारे पार्लियामेंट्रियंस वहाँ पर बैठे हुए थे और भारत की हालात कि इन पचहत्तर सालों में क्या हमने सेकुलरिज़म को जस्टिस को लिबर्टी को इक्वलिटी को इंडिया में एस्टैब्लिश कर पाए हैं कि नहीं ये सारा मुद्दा वहाँ पर मैंने प्रजेंट किया मुझे ये सारा स्पीचेस ये सारे इनपुट्स यूके के हमारे जो सतपाल ममन जी हैं उन्होंने मुझे रेडी करके दिए थे जो स्पीच मैंने वहाँ पर प्रेजेंट किया वो स्पीच से बहुत लोग इंप्रेस हुए और वो स्पीच मेरा यूएन को भेजेंगे लिख कर जो मैंने टॉक वहाँ पर दिया था उसका ड्राफ्ट यूएन को भेजेंगे और भारत की क्या हालात है ये सारे देश को वहाँ पर वो बताने की पार्लियामेंट के लोगों ने वहाँ पर मुझे आ, आ, ये कहा और सेकंड बुद्धिज़म को लेकर आज बुद्धिज़म को लेकर महाराष्ट्र और खासकर नागपुर के लोगों को एक बहुत इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है कि ये वो लोग हैं बाबा साहब ने यहां नागपुर की धरती से बौद्ध धम को पुनर्जीवित किया बाबा साहब ने बौद्ध धम अपनाया और विदर्भ के लोग जो है ऑल ओवर महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया जो आप 2011 का आंकड़ा देखोगे जनगणना का सबसे ज़्यादा बौद्ध लिखने का काम ये विदर्भ के लोगों ने किया हुआ है तो एक एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण विश्व के लोगों का है कि नागपुर और महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट हैं ये हमेशा बाबा साहब के आइडियोलॉजी पर कायम रहेंगे लेकिन अब हो क्या रहा है हमारे लोगों में इन्फ्लेंट्रेशन हो कर रहे हैं बुद्धिस्टों में जो नॉन बुद्धिस्ट लोग अब इसमें घुसाए जा रहे हैं तो इन लोगों को डिवाइड किया जा रहा है अब रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को कहा जा रहा है कि तुम बौद्ध महार लिखो तुम बौद्ध चमार लिखो तुम बौद्ध मातंग लिखो तो इस तरह से जो कास्ट सिस्टम बाबा साहब ने जो कास्ट सिस्टम हिंदू धर्म से मिटाई नहीं जा सकती इसलिए उस धर्म का त्याग किया वो कास्ट सिस्टम अब बुद्धिज्म में लाने की कोशिश यहां पर की जा रही है महाराष्ट्र के कुछ नॉन अम्बेडकर जो लोग हैं वो इस मूवमेंट में घुस चुके हैं और मैं मैं उनका सामना कर रहा हूं लोगों को बता रहा हूं कि आपका रिजर्वेशन आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट किसी भी कास्ट का सर्टिफिकेट हो तो रिजर्वेशन आपको मिलने ही वाला है लेकिन जनगणना में अपने आप को बौद्ध महार बौद्ध चमार बौद्ध ये लिखोगे तो लाइफ टाइम आपकी जो पहचान है वो वही बनी रहेगी इसलिए सिर्फ बुद्धिस्ट अपने आप को लिखो चमार महार वहाँ पर लिख कर बता घर के बाहर आप लिखोगे क्या मैं चमार हूँ मैं महार हूँ मैं ये तो वो क्योंकि आपका रिजर्वेशन आपके डॉक्यूमेंट्स पे मिलने वाला है अगर डॉक्यूमेंट है तो आपका रिजर्वेशन मिलते ही रहेगा आपको किसी को चीख चीख कर बताने की जरूरत नहीं है मैं महार मैं चमार मैं महार चमार मातंग तो इस तरह से लोग अपने आप को महार लिखो चमार लिखो करके प्रेरित कर रहे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं अगर नहीं करोगे तो रिजर्वेशन जाएगा मैं उनका भी समर्थन करने को तैयार हूं अगर महार लिखने से मेरा रिजर्वेशन बचता है तो आप मुझे बताओ पब्लिक सेक्टर सारा बेचने का नि, निर्मला सीतारमण ने अनाउंस कर दिया है जब पब्लिक सेक्टर ही नहीं बचेगा तो महार लिखने के बाद मुझे कहां पर नौकरी मिलने वाली है तो हमारे लोगों को बुद्धिज्म में ये जो इन्फ्लूट्रेशन चल रही है घुसपैठ चल रही है इसको रोकना होगा अपने आप को सिर्फ बौद्ध लिखो रिजर्वेशन आपका फॉलो होते ही जाएगा और मैं तो कहूंगा सिर्फ एससी का रिजर्वेशन के सीमित मत रहो बुद्धिज्म जो माइनिटी का रिजर्वेशन है उसके ओर भी ध्यान दो जिसमें सिर्फ बौद्धों को एक बहुत बड़ा स्टेज दिया गया है तो वहां पर भी हमको जाना चाहिए बिल्कुल <laughs> एक बहुत बड़ा स्टेज बुद्धिस्ट लोगों को मिला है तो हम कास्ट से बाहर निकले जो मोमेंट बाबा साहब ने चलाई थी कास्टलेस सोसाइटी की उस पर हम ध्यान दें और बौद्ध दल के गर्व से कहे कि हम बुद्धिस्ट है इस देश के मूल निवासी है राजरत्न जी इतनी व्यस्तता में भी आपने समय दिया आपका बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार जय भी।, भी आप